वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या 400 के पार, 150 से अधिक अभी भी लापता। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वायनाड में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बुधवार को 400 के पार हो गई है और करीब 150 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में फिलहाल बचाव अभियान जारी है। टीमें अब वन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। केरल सरकार ने खोज प्रयासों में लापता लोगों के परिवारों और स्थानीय निवासियों की मदद भी ली है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चूरनमाला, अट्टामाला और मुंदई के क्षेत्रों में 310 हेक्टेयर कृषि भूमि तबाह हो चुकी है। सीएम ने कहा, राहत कोष में योगदान वित्त सचिव की देखरेख में एक खाते में जमा किया जाता है। वित्त सचिव की जानकारी और मोहर के बिना राहत कोष से धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वायनाड के चूरनमाला में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों ने 2 खोज टीमों को सुदीर चोचीपारा झरनों और घने जंगलों वाली सनराइज घाटी तक पहुंचाया है। इन हेलीकॉप्टरों में केरल पुलिस के विशेष अभियान समूह, सेना के जवान और वन विभाग के अधिकारी शामिल बचाव दल में थे। इस दल में उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में सेना के विशेषज्ञ और रैपलिंग गियर से लैंस एसओजी सदस्य शामिल थे।